Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. So, dosto, aaj ka presentation hai Sense 66 by Tata Value Homes at Talegaon. So, let's begin with the presentation. तो दोस्तों टाटा वैल्यू होम्स ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि सेंस 66 है जो कि तलेगांव में है आफ्टर लोनावाला। और ये सेंस 66 नाम इसके लिए रखा गया है क्योंकि इसमें टोटल 66 रो हाउसेज है और ये टोटल रो हाउसेज जो बन रहे हैं वो 3.1 एकर लैंड पार्सल में बन रहा है। और इसको आप सेकंड होम बोल सकते हैं क्योंकि ये दिस इज बिटवीन लोनावाला और जहाँ पर जो एक्सप्रेस हाईवे जो ख़त्म होता है लोनावाला से लेकर जो पूना एक्सप्रेस हाईवे है जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बीच में एग्जैक्टली आता है। तो एरिया का नाम जो है वो तलेगांव है, वहाँ पर ये लोकेशन है। दोस्तों ये लोकेशन मैप है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर लोनावाला है और एक्सप्रेस हाईवे जो यहाँ पर ख़त्म होता है कहीं पर, तलेगांव जो है वो एग्जैक्टली इसके बीच में आता है। तो अगर तलेगांव से आप एग्जिट लेते हो हाईवे से, जो कि नया हाईवे है मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में जब आप एग्जिट लेते हो तो आगे आपको दूसरा हाईवे मिलेगा जो कि ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जैक्टली दोनों हाईवे के बीच पे लोकेटेड है, यहाँ पर इस तरफ। सो यू कैन ऑल्सो कॉल दिस हैज फुट हिल्स ऑफ सयाद्री रेंज और दिस इज प्योरली फॉर सेकेंड होम। तो आपको अगर लोनावाला यहाँ से आना है तो काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, फिर आपको आगे घूमने के लिए अगर आपको पुणे जाना है तो अगेन पुणे इज ऑल्सो वेरी क्लोज बाय फ्रॉम हियर। तो दोस्तों ये रेफरेंस इमेज है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे कुछ सिमिलर टाइप ऑफ रो हाउसेज बने हुए हैं। तो कुछ इस टाइप का रो हाउस रहेगा जो कि ग्राउंड प्लस वन और उसके ऊपर टेरेस रहेगा जिसमें 2 BHK और 3 BHK के रो हाउसेस है। तो टोटल 66 रो हाउसेस है और उसका लुक जो रहेगा वो सिमिलर टाइप ऑफ लुक रहेगा जैसा आप यहाँ पर आप देख रहे हो, इस टाइप का टाउनशिप रहेगा। अगेन यहाँ पर जब हम लोग इसका प्लॉटिंग एरिया आप देखते हैं, दिस इज 3.1 एकर प्लॉट जिसमें यहाँ से शुरू होता है 1, 2, 3, 4 रो हाउसेस और यहाँ तक लास्ट में आप देखेंगे 66 रो हाउसेस है। और साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल में यहाँ पर सारे एमिनिटीज दिए हुए हैं जो कि स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब वगैरह जो भी दिया हुआ है वो यहाँ पर इस ट्रायंगल में दिया हुआ है। तो दिस इज डेवलप्ड बाय टाटा वैल्यू होम्स, टाटा इज अ ब्रांडेड डेवलपर, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या क्वालिटी दे रहे हैं वो। तो ये एक इमेज है, टेरिस से लिया गया है। पूरा बंगलो का अगर आप प्लस पॉइंट देखेंगे तो पूरे बंगलो को व्हाइट पेंट किया हुआ है, बनने के बाद काफी अच्छा लगेगा ये बंगलोस। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो पेंट क्वालिटी है काफी व्हाइट है और रॉयल लुक है, दिस इज द एलिवेशन बेसिकली। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पार्किंग के लिए जगह दिया हुआ है और प्लस ऊपर यहाँ पर बैल्कनीज दिया हुआ है, दोनों तरफ आप देखेंगे बैल्कनीज है या आप इसको छोटा टेरिस भी बोल सकते हो या, और यहाँ पर आप देखेंगे ये फुल फ्रेंच कट विंडोज दिया हुआ है ताकि बाहर का व्यू आपको जो है वो प्रॉपर व्यू मिले। बंगलों के साथ साथ आप सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे यहाँ पर काफी लश ग्रीन्स दिया हुआ है जो और भी इस कॉम्प्लेक्स को निखारता है और देखने में काफी अच्छा लगता है। स्पेशली जो व्हाइट पेंट दिया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ग्रे, तो ये काफी रॉयल लुक है अपने आप में। तो ये और एक एलिवेशन है इस रो हाउस का, जैसा यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर बैल्कनी दिया हुआ है और यहाँ से एंट्रेंस दिया हुआ है और ये कार पार्किंग के लिए जगह दिया हुआ है। तो ऐसे बंगलोस नॉर्मली आप फॉरेन सिटीज में आपने ज़्यादा देखा होगा ऐसे बंगलोस। दूसरा, हर एक रो हाउस के ऊपर ऐसे नंबर्स लगा हुआ है 29, 30, तो किसी गेस्ट को भी अगर आप बुलाते हो तो वो उनको ये रो हाउस, आपका रो हाउस ढूंढने में काफ़ी आसानी रहेगी। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इमेज ऑफ किचन, ये भी रेफरेंस इमेज है पर कुछ इस टाइप का लुक आएगा बनने के बाद। ऑफ कोर्स जो अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक और वाइट गुड्स है ये सारा आपको ही फिट करना है, पर जो फिनिशिंग जो होगा कुछ इस टाइप का किचन का फिनिश होगा। एमिनिटीज में दोस्तों आप इसमें लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया हुआ है, जिम्नेजियम है जो कि 1787 स्क्वायर फीट का जिम्नेजियम दिया हुआ है, इंडोर गेम्स रूम है
किड्स प्ले एरिया है, योगा एंड एरोबिक रूम है, रीडिंग रूम, मल्टीपर्पज हॉल विच इज अगेन 1,446 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों ये इसका फ्लोर प्लान है। अगर आप 3 BHK का फ्लोर प्लान देखते हो तो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर ये कार पार्किंग स्पेस है और ये एंट्रेंस है। फिर ऊपर आते हैं तो ये फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि एक अटैच्ड है और ये वार्डरोब के लिए जगह दिया हुआ है, और उसके बाद ये टेरेस है। तो 3 BHK में आप कारपेट एरिया आप देखेंगे तो 1899 इज द कारपेट एरिया, और प्राइस इसका शुरू होता है 1.55 CR से, जो कि एग्रीमेंट वैल्यू है। और 2 BHK में कारपेट एरिया जो है वो 1327 कारपेट एरिया है, जो कि 1.10 CR एग्रीमेंट वैल्यू से शुरू होता है, प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। एंड पोजीशन फॉर दीज ऑल दिस रो हाउसेस इज इन जनवरी 2026। तो दोस्तों बुकिंग के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561 पर। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like, subscribe and share to this channel, because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.